नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाने के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन फेल होने के बाद चंद्रशेखर ने ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन 33 सीटों के नाम का ऐलान किया जहां वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाने का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी बात से पलटते हैं, वो धोखा देते हैं और अगर समाजवादी पार्टी हमें 100 सीट भी दे दे तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही कि ये वो ही जानते हैं। उस कड़ी को शुरू करने से पहले जो पिछली कई सारी चीजें आपके सामने आई, मैं चंद्रशेखर आजाद एक और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा परेशानियों से, समस्याओं से, जाई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के जैसे साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया और जब कोई कुछ खोता है तो उसको दर्द उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि के मामले की पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। मथुरा में बलदेव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जहां पर उन्होंने नामांकन किया। बता दें कि पूरन प्रकाश बलदेव विधानसभा से वर्तमान में विधायक भी हैं। ये तो आपका काम है, क्या सत्यता है क्या है, कहीं है ही नहीं है। गाड़ी नंबर वो जो UP 75 है, कोई कहीं की है, कोई कहीं की है, कहीं है ही नहीं है पूरन प्रकाश। और कह रहे क्या साहब विरोधियों पर कुछ है ही नहीं, गठबंधन पर। इस बार चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आपकी विकास की गंगा बह रही है आपकी। हमें तो आपकी 75 साल की आजादी के बाद हमें तो 5 साल मिला है ना, बाकी तो इन्होंने ही राज किए ना। क्या इन्होंने किया, हम स्टाम्प पे लिख के देते हैं और दिखा के देते हैं लिख के सारा सबूत समेत कि जो आपके आजादी के 70 साल में जो काम नहीं हुआ, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है। आज आप देखिएगा, पहले स्थिति हमारी बहन बेटियां जाती थी घर घर में, हर घर में कंपलसरी रूप से हमने शौचालय बनाया। काशीपुर के ग्राम सवरखेड़ा मिसरवाला में बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान ने बीजेपी की उम्मीद को जगा दिया है, जिस पर बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार जसपुर विधानसभा में बीजेपी दोबारा वापस कर चहुंमुखी विकास करेगी। आप बता दें कि काशीपुर तहसील के गांव जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने जनता के बीच जाकर वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान की विफलताओं को सामने रखते हुए कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल हर वर्ग में मजबूत पकड़ रखते हैं और जनता इस बार जसपुर में बदलाव लाना चाहती है। और जनता ने ठान लिया अब की बार हमें ना तो आम आदमी पार्टी, ना बसपा, ना कांग्रेस, हमें किसी को वोट नहीं देना है। हमें कमल के फूल को और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को अच्छे वोटों से विजय बनाना है। उसके पीछे कारण ये है, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिंघल साहब के अंदर ये खूबी है कि वो हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। उनके लिए ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई और समुदाय, सिख समुदाय, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनता की सारी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो अपने सारे काम को छोड़ के उनके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। 5 साल वो विधायक नहीं रहे हमारे जसपुर क्षेत्र से, लेकिन उसके बावजूद भी सिंघल साहब उन लोगों के लिए, उन्होंने इस बात का कभी भी किसी से ये नहीं करा कि भाई तेरे बूथ से मुझे इतने वोट नहीं मिले।
कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गैरसैंण के लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सड़कों का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य की करें, शिक्षा की करें, या सड़कों की करें, या नेटवर्क कनेक्टिविटी की करें, इन सभी मूलभूत जरूरतों के लिए यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजधानी के लिए यहाँ गैरसैंण के भाईसैंण में विधानसभा भवन, सचिवालय और विधायक आवास सहित तमाम ढांचे खड़े तो कर दिए गए, लेकिन उसके अनुरूप गैरसैंण क्षेत्र में राजधानी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं जुटाई गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्यवस्थाएं ठीक से बनाई हुई है कि यहाँ पे हर चीज के लिए सेफ्टी सेंटर बन गया है। यहाँ पे हमारे गांव से महिला गर्भवती महिलाएं आती हैं और उनको यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है और रस्ते में ही वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र को राजधानी के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। बाकी यहाँ पानी की व्यवस्थाएँ यहाँ की ख़त्म है। रोड अब आजकल जब अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो यहाँ की रोड की व्यवस्था सही हुई है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पूर्वजों की लड़ाई थी, शायद आप लोगों को संज्ञान में ये बात होगी, जब मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था तो उसमें अहम भूमिका जिसकी रही थी यूकेडी की रही थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पहाड़ की पुकार थी, हमारी पहाड़ का जो दर्द था, बल्कि ये नहीं थी कि जो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी, ये नहीं कि पहाड़ की राजधानी देहरादून में होनी चाहिए थी। सर्वप्रथम बात यह है कि राजधानी गैरसैंण जो विधानसैंण बनी है, यहाँ पे लोग नेता आते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे मांग करेंगे हॉस्पिटल की, ये मांग करें, रोड की मांग करेंगे, वहाँ तक हमें यहाँ पर कुछ करनी मिली। दूसरे में हम आपको ये बता दें कि हम एडोसान करेंगे अब श्रीनगर देहरादून जैसे किए जाते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे यहाँ तक कभी कोई सुविधा नहीं मिली। हमें क्या करें, गैरसैंण में यहाँ पे इतनी हॉस्पिटल बनने के यहाँ पे हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। अगर हम यहाँ पर रात को जाते हैं तो हम रेफर करते हैं। सीतापुर के कोतवाली बिसवा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से ज्यादा असलहों से लैस बदमाशों ने धावा बोल दिया। मोहल्लेवासी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आनन फानन में बिसवा पुलिस को सूचना दी। मोहल्ले के बाशिंदों और पुलिस ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। अपने आप को फंसता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बिसवा पुलिस ने भी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 4 राउंड फायरिंग हुई। इसी बीच बदमाशों की गोली से पुलिस का जवान बाल बाल बच गया। वहीं बदमाश पुलिस और लोगों को चकमा देते मौके से फरार होते हुए नजर आए। हमारे वहाँ जो है हम लोग छत के ऊपर रहन और जब उनका हमारे वहाँ अंदर जब आए गए बदमाश तब फट भतीजा फोन करे से है वो देखे तो की अम्मी देखे नहीं। कितने लोग थे लगभग? अब हम आदमी जो है नीचे रहे, हम छत के ऊपर रहन, लेकिन हम उनका देख ना पाए ना है। जब उधर से यहाँ पुलिस आई है वो जो है रपटावत, तब जो है हम फायर किए ना उनके ऊपर, तब देखे ना है, तब उधर आगे निकल जा चुके रहे, आगे वही कर रहे थे। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस को देखते ही तमंचे से फायरिंग की और भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी गिर गया और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया। वहीं इस घटना में तैनात दारोगा भी घायल हो गया, जिसे CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक 12 सुरोही नहर के पास में हमारी पिकट लगी हुई थी और पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश को, एक आदमी आ रहा था उसको रोकने प्रयास किया गया, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने वो जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है गोली से, एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये पूछताछ पे पता चला कि ये अभी जो घटना हुई थी बच्चे दुष्कर्म के साथ में, उसका आरोपी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण में आगरा में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 5वें दिन BJP के उम्मीदवार सुबह से ही कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसी बीच वहां विधानसभा क्षेत्र से BJP प्रत्याशी पक्षालिका सिंह ने पर्चा दाखिल कर नामांकन किया। पक्षालिका सिंह के साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर सहित अन्य नेता साथ रहे। पक्षालिका सिंह ने कहा कि विकास ही उनका मुख्य मुद्दा होगा। पूरा विश्वास है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी ही वहां से जीत के जाएगी। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? विकास ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा। पहले तो ये था विकास सबका साथ,
और विकास सबका साथ और सबका विश्वास इस बार प्रधानमंत्री का नारा है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और हर वर्ग को लेके हम लोग साथ चलेंगे और विकास भरपूर होगा। बात क्षेत्र में किससे मुकाबला मानते हैं? सबसे जो भी सामने खड़ा है हर एक से मुकाबला ही है। आप पर ये आरोप लगता रहता है कि आप विशेष चाहते हैं समुदाय की पैरवी कर सब समाज की आप बात जरूर करती है। राह है और काम के लिए आता है उसका भी काम करती हूँ, इस उपेक्षा में कि आगे जब चुनाव होगा, जब आदमी जा रहा है अपना मतदान करने, तो ये दोबारा सोचेगा कि मेरा काम हुआ है और मतदान इनके पक्ष में करें। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उनके साथ बीजेपी नेता संतोष कटारा सहित अन्य लोग शामिल हुए। कुछ देर बाद बेबी रानी मौर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि 1995 में बेबी रानी मौर्य मेयर रह चुकी हैं। 2 साल पहले बीजेपी सरकार ने उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया था। इसके बाद उन्हें अब आगरा ग्रामीण विधानसभा से टिकट दिया गया है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में देहरादून में आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य की मौत हो गई थी। उस वक्त रावत वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। हादसा तमिलनाडु के कन्नूर में हुआ। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एकमात्र जिंदा बचे थे, जिनका निधन भी 15 दिसंबर को हो गया था। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अमित पालेकर गोवा में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। उनके नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ऐसे शख्स को सीएम का चेहरा बना रहे हैं जिसके दिल में गोवा बसता है, जो गोवा के सब लोगों को साथ लेकर चलेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के साथ हो, जो पढ़ा लिखा हो। जिसे हम गोवा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे वो ईमानदार होगा। अभी तक गोवा के भंडारी समाज के मन में अन्याय की भावना है। पिछले 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइंड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहाँ नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन में रहे लगातार अच्छा ठीक, बुलवा देते हैं, आप बोले दे दीजिए, एक बार उन्हें बोल लें दो ना, तब तो और मन बना लो। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, विकेट और गिरा सकते हैं हम। नहीं बैठी बैठे
आप अगर भानु प्रताप जी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है, क्योंकि लड़ाई देश को बचाने की है। देश बहुत संकट में है और अगर इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो देश में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनको इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी किया जा सके। तो हर किसी को यह स्पष्ट होना चाहिए। हमारे विषय में आप जानते हैं किसान आंदोलन में हम रहे हैं, सीएनआरसी के आंदोलन में लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। बाकी माननीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी गठबंधन के रूप में हमें देंगे उसका पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय राम जी भी बोल दें आप, क्योंकि उन्होंने हमारे पत्रकार साथी ने याद दिला दी सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने दो शब्द कहने का मौका दिया। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, डॉक्टर लोहिया जी को नमन करते हुए आज मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी काम कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है, जो बाबा साहब के बदौलत हमको आरक्षण और संविधान मिला था उसको खत्म कर रही है। इसलिए मैं सरकार को छोड़ करके और भाजपा को छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं अपने संत शिरोमणि रविदास महासभा की तरफ से, दलित समाज के तरफ से, कि आपकी सरकार बनेगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। ये योजना 100% महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए है। आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधी सीधी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी हुई योजना होंगी। तो बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उसको आज खत्म कर दिया गया है, बजट नहीं दिया जा रहा है, चौपट कर दिया गया है। वो ऐसी योजना थी जो हमारी बहनों और माताओं की मदद करती थी। अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। वो बात समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी जी के हारने से भी किसी को तकलीफ होगी, हार जीतने से भी तकलीफ होगी। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह जी को हम लोगों ने एनआरसी और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में देखा, आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, 22 में कौन सी जिम्मेदारी आप इनको दे रहे हैं? 22 में वर्चुअल रैली पहले और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके 12 से 17 के बीच में जो आपका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर सोशल साइटों पर प्रचार के माध्यम से और अपने कार्यकाल को लेकर एक नकारात्मक चीजें लगातार जो है वो जनता को दे रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार
और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी, कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले ही कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहां, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहां पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गई। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो, तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्टर हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी। दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहां, इनके संगठन के लोगों के यहां, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहां पहले से ही चीजों का बनना, इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, आप मुझे बताइए पत्रकार साथी जिससे कनेक्ट करना हो यूपी में, कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठकर के हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो इक्विप्ड पहले से हैं इस चीज के लिए, लेकिन जो और क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो कैसे इक्विप्ड होंगे? उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाए तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, अखबार में तो भूल जाइए स्पेस। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों